बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक्टर की एंजियोप्लास्टी हुई है। 81 साल के एक्टर को शुक्रवार की सुबह 6 बजे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था। हमारे सूत्रों का कहना है कि बिग बी को सुबह भारी सिक्योरिटी के बीच हॉस्पिटल लाया गया था। इसी बीच बिग बी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि आपका हमेशा आभार। उनके इस ट्वीट से कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने सर्जरी के बाद शुभचिंतकों का आभार जताया है। बता दें, इससे पहले 2022 में केबीसी 14 की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के पैर की नस एक मेटल के टुकड़े से कट गई थी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया था। फिर साल 2020 में एक्टर ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वह कोविड संक्रमित हो गए हैं। उनके बेटे अभिषेक भी पॉजिटिव थे। इलाज के लिए 2 महीनों तक बिग बी हॉस्पिटलाइज थे। इसके बाद साल 2022 में भी अमिताभ फिर से कोविड संक्रमित हुए थे। फिर साल 2018 की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक एक्शन सीन करते समय उनके कंधे पर चोट आई थी। हालांकि ये चोट गंभीर नहीं थी, उन्हें बॉडी डबल का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने ये सीन खुद करना तय किया था। साल 2000 में अमिताभ बच्चन को पता चला कि उन्हें हेपेटाइटिस बी है। दरअसल ये बीमारी एक लापरवाही का नतीजा थी। जब कूली सेट पर हुए हादसे के बाद बिग बी को खून की जरूरत पड़ी तो ब्लड डोनर की भीड़ लग गई थी। 200 डोनर के जरिए उन्हें 60 बॉटल खून चढ़ाया गया था। जल्दबाजी में बिग बी को हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ा दिया गया, जिससे वो खुद भी संक्रमित हो गए थे। ये बात खुद अमिताभ बच्चन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हेपेटाइटिस बी के कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर बताई थी। फिर साल 2000 में ही अमिताभ बच्चन के पेट में जोरदार दर्द उठा। इलाज करवाने जब बिग बी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी आंत में दिक्कत है, जिसके लिए उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी करवाई। इलाज के दौरान ही बिग बी को पता चला कि उन्हें लीवर सिरोसिस भी है। साल 2012 में अमिताभ बच्चन के 75% संक्रमित लीवर को सर्जरी से काटकर अलग कर दिया गया है। हादसे से पहले अमिताभ बच्चन को लीवर की समस्या थी और साथ ही वो अस्थमेटिक भी थे। ऑपरेशन के अगले दिन ही उन्हें निमोनिया हुआ, जिससे हालत और बिगड़ गई। बेंगलोर में इलाज के बाद उन्हें एयरबस से तुरंत मुंबई लाया गया था। ट्रेन से उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया गया था। 8 अगस्त को उनका दोबारा ऑपरेशन हुआ। अस्पताल के बाहर उनके चाहने वालों की 2400 घंटे भीड़ रहती थी। पूरे देश में कहीं पूजा करवाई जा रही थी तो कहीं यज्ञ। जया बच्चन खुद भी अमिताभ की सलामती के लिए सिद्धि विनायक गई थी, लेकिन जब वह पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले कई लोग अमिताभ के लिए वहां पूजा कर रहे थे और फिर लोगों की दुआएं रंग लाई। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कूली के सेट पर अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे। ये हादसा तब हुआ था जब एक एक्शन सीन के दौरान मार्शल आर्ट में माहिर पुनीत इस्तर ने उन्हें जोरदार मुक्का मार दिया था। पुनीत इस्तर का मुक्का जैसे ही उनके पेट पर पड़ा, अमिताभ बच्चन जमीन पर गिर पड़े। कुछ वक्त बाद वो उठे और फिर बोले कि उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है। मनमोहन देसाई ने उन्हें तत्काल होटल भिजवा दिया। डॉक्टर्स भी आ पहुंचे। काफी समय तक डॉक्टरों को बीमारी पकड़ ही नहीं आई। बार बार टेस्ट कराने के बाद भी क्लियर डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। अमिताभ की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। तभी वेलोर के डॉक्टर भट्ट ने एक्सरे रिपोर्ट में इंटेस्टिनल परफॉर्मेंस डिटेक्ट करके बताया कि अमिताभ के पेट में लगी चोट अब मवाद बनने लगा है। इसके बाद अमिताभ की इमरजेंसी सर्जरी की गई थी, जिससे उनकी सेहत में सुधार आया था।